हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने कुछ टीचिंग और नॉन टीचिंग पोजीशंस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज किया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है वो एडवर्टीजमेंट। इसमें हम जैसे ही ओपन करते हैं तो ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकली हैं, बट हमारा फोकस मेनली टीचिंग पर है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो उसी के बारे में मैं डिस्कशन कर लेती हूँ कैसे अप्लाई करना है, क्या पोस्ट है। तो देखो, ये नोटिफिकेशन ओपन होता है, इस नोटिफिकेशन में ये टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए अलग से नोटिस है। आप चाहो तो उस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मेंशन है, सबसे पहले तो एसोसिएट प्रोफेसर, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगी। एसोसिएट प्रोफेसर इस ब्रांच में, ठीक है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी स्टडी, फोरेंसिक साइंस, लॉ, फिजिकल एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, क्रिमिनोलॉजी एंड बिहेवियर, क्लिनिकल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, क्लिनिकल क्रिमिनोलॉजी, साइकेट्रिक, सोशल वर्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड टेक्निकल टेक्नोलॉजी, अप्लाइड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो भाई हमारा जो फोकस है वो है मात्र फोरेंसिक साइंस पर, ठीक है, ठीक है। या यहाँ पर देखो फोरेंसिक साइकोलॉजी, ठीक है, तो हमारा फोकस इन्हीं पोस्ट पे है। तो जो भी इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। तो पहली पोस्ट तो ये हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इनिशियली 1 साल का रहेगा, फिर बढ़ा के 5 साल तक हो सकता है। कितना पे किया जाएगा, तो 2,03,526 ये पे ग्रेड है। इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सबका एलिजिबिलिटी अलग अलग है, एसोसिएट प्रोफेसर का अलग, असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग, सो विल लेट यू नो इन अपकमिंग टाइम। तो यहाँ पर देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी स्टडी, अगेन हमें फोकस देना है फॉरेंसिक साइंस पर, ठीक है। तो वही चीजें हैं, सेम चीज मेंशन है इसमें भी। तो यहाँ पर 92,000 अप्रोक्स इसकी पे ग्रेड है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च, तो सेम एज अबव, यहाँ पर पे ग्रेड भी सेम है, ठीक है, इसमें भी फॉरेंसिक साइंस है। फिर टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर, इसमें भी फॉरेंसिक साइंस मेंशन है, 74,000 अप्रॉक्स का यहाँ पे जो है आपका पे ग्रेड है। फिर रिसर्च ऑफिसर, यहाँ पे भी फॉरेंसिक साइंस में है और पे ग्रेड जो है 56,000 का है। अब यहाँ पे हमारा मेन काम ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर देख लेते हैं हम। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी, मतलब इनको छोड़ के, अदर देन इंजीनियरिंग, इनको छोड़ दो, बाकी की जो पोस्ट है उन सब के लिए अ गुड अकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब पीएचडी डिग्री मांगी है, मास्टर्स डिग्री भी मांगी, 55% मार्क्स के साथ में, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी फॉर इंजीनियरिंग एंड टीचिंग एसेंशियल्स, तो यहाँ पर भी पीएचडी डिग्री मांगी गई है, फर्स्ट क्लास बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री भी फर्स्ट क्लास यानी 60% से ज्यादा मांगे गए हैं, ठीक है, ये चीज है। या फिर आपने, आप जो है इंडस्ट्री एंड प्रोफेशन, फर्स्ट क्लास आपकी मास्टर्स डिग्री हो और सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, तो देखो फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लिए यहाँ पर आपका एमफिल हो, एमफिल के साथ साथ पीएचडी हो, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, इधर एज अ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आपने आपके तीन पब्लिकेशंस भी होने जरूरी हैं। अब यहाँ पर आता असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, फॉरेंसिक साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग वाली बस छोड़ देना, बाकी हम यहाँ पे बात करेंगे, मतलब फॉरेंसिक साइंस वालों के लिए भी यही एलिजिबिलिटी है, मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। बिसाइड फुलफिलिंग अबव क्वालिफिकेशन, आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपका यूजीसी या सीएसआईआर कंडक्ट होना चाहिए, या फिर आपका स्लेट या सेट का एग्जाम जो है वो होना चाहिए क्वालिफाई, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन है, या फिर आपने पीएचडी डिग्री करी हो, ठीक है, इवेल्युएशन चल रहा हो तो ये भी चलेगा, ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस हो तो भी कंडक्ट, वो भी चलेगा।
आपके दो रिसर्च पेपर होने जरूरी हैं और एटलीस्ट दो प्रेजेंटेशंस आपने दिए हो कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, ठीक है। नेट स्लेट और सेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मार्क्स। अच्छा, ऐसे प्रोग्राम जिनमें ये एग्जाम नहीं होते हैं तो उनकी भी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में ये आईटी वालों के लिए तो पढ़ लेना अगर आप एलिजिबल हो तो। फॉरेंसिक साइकोलॉजी वालों को मैं बता देती हूँ, एमफिल मांगा है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, विद और विदाउट एक्सपीरियंस दोनों चलेगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च, इसमें भी फॉरेंसिक साइंस मेंशन है तो एलिजिबिलिटी बता देते हैं हम। मास्टर्स डिग्री मांगी है इन्होंने 55% मार्क्स के साथ में, और मिनिमम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चलेगा। नेट मांगा है, यूजीसी नेट आपका क्लियर होना चाहिए या फिर सेट का एग्जाम भी चलेगा। पेपर प्रेजेंट किए हो आपने, ठीक है, एबिलिटी टू मीट द टाइमलाइन, पेपर रिपोर्ट, पेपर्स, असाइनमेंट, ये सब आपके अंदर एबिलिटी होनी जरूरी है। अब इसके बाद में टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर, इसमें भी फॉरेंसिक साइंस मेंशन है तो इसमें दिया हुआ है मास्टर्स डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट और एनी अलाइड फील्ड 55% मार्क्स के साथ में, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी का भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रिसर्च ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर के लिए मास्टर्स डिग्री मांगी है आपसे 55% मार्क्स के साथ में, 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है गवर्नमेंट या प्राइवेट में, रेलिवेंट इंस्टीट्यूट या रिसर्च इंस्टीट्यूट में। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं तो वो आप रीड कर लेना। मैं आपको डेट बता देती हूँ कि क्या कैसा डेट है, तो यहाँ पे नीचे मेंशन है आपका जो लास्ट डेट है, एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी, सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में इस एड्रेस पर आपको भेजना है, कोरियर करना है, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ये सब आपको करना है। 3 अक्टूबर के पहले पहले पहुंच जाना चाहिए, पहुंचाना है 3 अक्टूबर के पहले। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो आप सभी लोग फिर आपको जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन जो है आपकी स्क्रीनिंग के बाद में। फिर क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस सब कुछ देखे जाएंगे, फिर उसके बाद में जो है वो यहाँ पे आपको जॉब दी जाएगी। इज दैट क्लियर? बाकी की चीजें आप सभी लोग रीड कर लेना, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यही इंपॉर्टेंट था कि आपको हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, एक बार वेबसाइट में दिखा देती हूँ, ये है एप्लीकेशन फॉर नॉन टीचिंग और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग। आप टीचिंग वाले में अप्लाई करना चाहते हो तो आप टीचिंग का ओपन करके यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके और आपको कुरियर करना है, और आपको यहाँ से अगर डाउनलोड करना नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करना है तो वो भी आप देख सकते हो। मैंने सिर्फ आपको टीचिंग वाला बताया है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। और जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी वैकेंसीज होती है फॉरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग, वो मैं इसी चैनल पर अपडेट कर देती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।